एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से मेरा दिवाली डेकोर। आई नो कोरोना पैंडमिक की वजह से काफ़ी लोगों का मन नहीं कर रहा है इस बार दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करने का, बट ट्रस्ट मी, जस्ट बाय लाइटिंग फ्यू कैंडल्स एंड दियाज आप अपने पूरे घर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यू विल फील पॉजिटिव एंड हैप्पी, और ऐसा ही कुछ किया है मैंने आज के इस वीडियो में। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं एंट्रेंस से। ये है मेरा एंट्रेंस डोर। यहाँ पे दिन भर में भी बिल्कुल नेचुरल लाइट नहीं आती है और काफ़ी अंधेरा रहता है। सीलिंग में चार स्पॉट्स लाइट्स हैं, जिसमें से दो जो हैं ख़राब हो चुकी हैं। हमने इनको बहुत बार रिप्लेस किया है बट ये बार बार ख़राब होती जा रही है। आई थिंक कुछ इंटरनल वायरिंग का प्रॉब्लम है, तो इस बार हम इसको ठीक नहीं करा पाए हैं। इस चीज़ में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो हम इसको आराम से कराने वाले हैं बाद में। ये है हमारा शू रैक, और शू रैक के बिल्कुल ऊपर जो है फायर एक्सटिंग्विशर का ओपनिंग दिया हुआ है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट वी कांट कवर इट। बट अभी के लिए मैं इसको टेम्प्ररी कवर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे वॉल के कलर के मैचिंग का बिल्कुल कर्टन लगा चुका है, एंड आई थिंक ये पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है ये मुझे काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था। तो चलिए अभी इसको सजाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कर्टन्स लगाए हैं उनमें मैं लगाने वाली हूँ ये आर्टिफिशियल मनी क्रीपर, जो मैंने अमेजोन से लिए थे। इस वीडियो में ज़्यादातर वही चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने अपने लास्ट वीडियो दिवाली डेकोर हॉल में शेयर किया था आप लोगों से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेटल का सन फेस। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी ये तोरण। देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कुछ वॉल हैंगिंग्स जिसमें बेल डिटेलिंग्स हैं, जो कि एंट्रेंस डोर में काफी अच्छा लग रहा है। देन मैं अपने शू रैक में रखूंगी ये रियल स्पाइडर प्लांट, जो कि मैं लाई थी मेरे लिविंग रूम के लिए, बट ये काफी बड़ा हो चुका है और आई थिंक इतनी लो लाइट में ये यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा, और यहाँ पे ये काफी अच्छा लग रहा है। देन मैं यहाँ लगा रही हूँ आर्टिफिशियल गार्लैंड्स, जो कि मेरे पास पहले से थे। मैं हर दिवाली में या गणेश चतुर्थी में इनको यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, मुझे वॉशेबल है और काफ़ी सुंदर भी दिखते हैं। सो यस, मेरा एंट्रेंस डोर तैयार हो चुका है। आई थिंक इस एरिया में अभी बिल्कुल जान सी आ गई है। पहले काफ़ी डल लग रहा था, और ये सब लगाने के बाद लग रहा है कि माई हाउस इज़ फेस्टिव रेडी। तो चलिए अभी एक छोटी सी रंगोली भी बना देते हैं। अगर आप लोग भी उनमें से हैं जिनको रंगोली बनाना नहीं आता है मेरी तरह, तो रियल फ्लावर्स आर द बेस्ट ऑप्शन, और गेंदे के फूलों से अच्छा फूल रंगोली बनाने के लिए और कोई नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे दो तरीके के गेंदे के फूल लाई हूँ, एक ऑरेंज है एक येलो है, और इनको यूज़ करके मैं एक छोटी सी शगुन की रंगोली यहाँ पर बना दूँगी। तो मेरी रंगोली रेडी है, और इसे और खूबसूरत बनाते हैं दिए लगा के।
तो मेरे पास ऐसे दो मटका कुल्फ़ी के मटके हैं और इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ दिया स्टैंड। सिंपली मैं लेस की हेल्प से इनको ब्यूटीफाई करने वाली हूँ। मेरे पास ऐसा कलरफुल पॉम पॉम लेस है, मैं इसके नेक में ये लेस जो है वो स्टिक कर दूँगी। आप भी इसी तरीके से घर पे ही DIY करके अपने लिए दिया स्टैंड या दिए बना सकते हैं। आप इनमें ग्लिटर लगा सकते हैं, गोल्ड स्प्रे पेंट कर सकते हैं, या फिर आप इनको कलरफुल पेंट करके भी सजा सकते हैं। ये बहुत ही प्रिटी एंड ऑथेंटिक लगते हैं। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर जाते ही यहाँ पे एक छोटी सी वॉल का हिस्सा आता है जहाँ पे मैंने नेल लगा रखा है और मैं इस पे एक वॉल हैंगिंग लगाने वाली हूँ और वो वॉल हैंगिंग है ये। अभी बढ़ते हैं मेरे लिविंग रूम की तरफ। तो ये वॉल जो है मुझे अभी थोड़ी सी सूनी सूनी लग रही है, तो इसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ रखने वाली हूँ ये प्लांट स्टूल जो मैंने अमेज़ॉन से लिया है। ये मैंने आपसे शेयर किया था मेरे दिवाली डेकोर हॉल पे, और उस पर मैं रखने वाली हूँ इंडोर प्लांट। नाम अगर पूछेंगे तो नाम मुझे नहीं पता है, बट मैं जब नर्सरी गई थी तो मुझे ये दोनों प्लांट्स जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगे थे और मैंने इनको इमीडिएटली बाय कर लिया था। ये प्लांटर्स जो है वो ब्लैक कलर के थे जो प्लास्टिक के होते हैं। मैंने इनको DIY करके थोड़ा पेंट किया है। नेक्स्ट मैंने DIY स्टूल बनाया था कुछ दिन पहले, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा हो। तो इस स्टूल पे मैंने एक DIY प्लांटर विथ व्हाइट आर्टिफिशियल फ्लावर रखा है। इसके साथ मैं यहाँ रखने वाली हूँ व्हाइट केज और इसके अंदर मैंने बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स लगाई हैं। और इस कॉर्नर पे मैं अगेन रखने वाली हूँ एक इंडोर प्लांट जो कि मेरी बालकनी में था और फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। और यहाँ पे जो दो शेल्फ्स हैं उनमें मैं रख रही हूँ टी लाइट कैंडल होल्डर्स। कर्टन रॉड्स में मैं एक और वाइट मेटल केज हैंग कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स रखी हैं। मेरे सेंटर टेबल में मैं रख रही हूँ ये टी लाइट कैंडल्स विद स्टैंड जो कि मैंने DMart से लिया था। ये काफ़ी पुराना है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर दिवाली में मैंने लिया था और तब से मैं इसको हर दिवाली में यूज़ करती हूँ। और इस सोफे में मैं एक एड ऑन कुशन डाल रही हूँ जो कि अगेन मैंने DMart से लिया था। और इस आर्टिफिशियल मेपल ट्री में तो मैंने फेरी लाइट्स पहले से लगाई हैं तो वो मैं उसे ऑन कर देती हूँ। इस वॉल में भी मैंने दो वॉल हैंगिंग टी लाइट कैंडल होल्डर्स रखे हैं, उन दोनों में भी मैं टी लाइट कैंडल्स रख रही हूँ। पढ़ते हैं TV यूनिट की तरफ और इसमें भी मैं दो टी लाइट कैंडल्स लगा रही हूँ और यहाँ पे जो टर्टल है उनको मैं फ्लावर से डेकोरेट कर रही हूँ। ये वाले टी लाइट कैंडल होल्डर्स भी मेरे पास पहले से थे। तो लिविंग रूम हो चुका है, बढ़ते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने वॉल में दो हैंगिंग नेल्स लगाए हैं और यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ दो DIY किए हुए बॉटल्स जिनके अंदर मैं बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स लगाने वाली हूँ और जिनको मैं कॉटन रोप की हेल्प से हैंग करने वाली हूँ। टेबल के सेंटर में मैं एक ग्लास बोल रखने वाली हूँ बड़ा सा जिसको मैं एज अ ओरली यूज़ करने वाली हूँ। इसमें मैंने पानी डाल के दो आर्टिफिशियल लोटस फ्लावर्स रखे हैं और इनमें मैं थोड़े से गेंदे के फूल डाल देती हूँ।
I'll put two floating candles. साथ ही मैं कोस्टर प्लेट को भी दो डिफरेंट कलर्स के टी लाइट कैंडल होल्डर से डेकोरेट करूंगी। सो विद दिस आई एम डन विद माय डेकोर एंड लेट्स सी द फाइनल लुक। Very simple, very minimal, yet beautiful and very classy. Don't you agree? I'm not sure if the camera is justifying the look, but it is actually looking very, very beautiful, very, very festive. So that's it in this video. I hope आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे। इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइए। आई विल बी हैप्पी टू नो। ऑल्सो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि दिवाली में अभी काफ़ी टाइम है, मैं उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी अपने घर पे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Also, you can follow me on Instagram and Facebook. Handles are below and also mentioned in the description box. Thank you for watching this video. I'll see you next time. Till then, bye, take care and happy Diwali to everyone.